अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे डी फॉर डेमोक्रेसी, यानी के जमहूरियत। इससे पहले लेकिन अगर आपको चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की ये एपिसोड अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। डेमोक्रेसी का लफ्जी मतलब होता है लोगों की हुकूमत या लोगों का रूल करना। इंसानी माशरे ने जब तरक्की की और हमारी तादाद में इजाफा हुआ तो हमने बहुत सारे तरीके जो है वो अडॉप्ट किए जिनकी मदद से हम बाहमी जो जिंदगी गुजारने के जो असूल है वो मुरतब कर सके। दुनिया में सबसे पुरानी जमहूरियत जो है इसको पहली मरतबा तारीख ने महफूज किया है एथेंस में। उस शहर में पहली बार जमहूरियत की तरह की एक एक्टिविटी की गई। उस जमाने में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग आजाद हुआ करते थे और कुछ लोग जो है वो उनकी हैसियत जो है वो गुलामों की सी थी। तो उस वक्त जो आजाद इंसान थे बतौर खास मर्द, उस वक्त उन्होंने खवातीन को उसमें शामिल नहीं किया, तो उस वक्त जो आजाद मर्द थे वो सब एक बहुत बड़े जगह पर एक बहुत बड़े हॉल में इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी जो है वो किन असूलों के तहत जो है वो गुजारेंगे। उन्होंने कुछ कानून बनाए, कुछ लॉज बनाए आपस में जिंदगी को महफूज तरीके से गुजारने का। लेकिन उस वक्त इसमें ना तो गुलाम शामिल थे और ना ही ख्वातीन को ये हक दिया गया कि वो इस कानून बनाने की एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा लें। लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला गया, इंसानों की आबादी बढ़ती चली गई, तो ये मुमकिन नहीं रहा ये सारे के सारे लोगों को, ये सारे के सारे इंसानों को एक जगह पर इकट्ठा कर उनसे राय ली जा सके या उनकी मदद से कानून को बनाया जा सके। तो फिर हमने क्या किया, इंसानी माशरे ने क्या किया, उन्होंने इलेक्शंस का जो सिस्टम है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। यानी कि पूरे मुल्क में मौजूद लोग जो हैं वो अपने अपने इलाके में मौजूद किसी नुमाइंदे को मुंतखब करते और फिर वो नुमाइंदा जाकर उस पूरे इलाके को रिप्रजेंट करता था, उस इलाके की नुमाइंदगी करता था एक उस हॉल में, उस जगह पे जाके जिसको आज हम पार्लियामेंट के तौर पर जानते हैं। इस तरीके से हर इंसान अपने आप को फैसला साजी में शामिल महसूस करता है और वो लोग जिसको वो इलेक्ट करते हैं, वो नुमाइंदा जिसको वो इलेक्ट करते हैं अपने वोट की मदद से, वो नुमाइंदा किसी ना किसी तरह अपने इलाके में मौजूद लोगों को जवाबदेह होता है उन तमाम पॉलिसीज का और उन तमाम कानून का जो पार्लियामेंट बनाती है। जमहूरियत के अंदर जितनी ज्यादा डिवेल्युएशन होती है, यानी कि जितना ज्यादा इसमें ज्यादा दर्जाबंदी होती है, ये जितना नीचे जाती है उतना ही ज्यादा आम लोग जो है वो अपने आप को फैसला साजी के अंदर शामिल तसव्वुर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि हमारे मुल्क में एक पार्लियामेंट है जिसके अंदर मौजूद नुमाइंदे जो है वो मेंबर कौमी असम्बली कहलाते हैं, जिसको हम MNA बोलते हैं। ये MNA एक बहुत बड़े इलाके के लोगों के वोट देने के बाद मुंतखब होते हैं। तो इस तरह से हमारे मुल्क में कौमी असम्बली जो है वो तश्कील पाती है। उसके बाद दूसरा लेवल जो है वो है सूबाई असम्बलियों का, कि इसके अलावा हर सूबा जो है वो अपने सूबाई असम्बली के लिए भी अपने लिए नुमाइंदे मुंतखब करता है। तो लोगों को ये हक मिलता है कि ना सिर्फ वो सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करें बल्कि वो सूबाई असम्बली के लिए भी अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। सूबाई असम्बली के बाद एक अगला दर्जा या एक अगला लेवल ये होता है कि आप अपने इलाके में मौजूद, अपने हलके में मौजूद जो यूनियन काउंसिल है उसके लेवल के ऊपर किसी नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर फैसला साजी करता है। ये दर्जाबंदी जितनी नीचे तक आएगी लोगों का रबता अपने नुमाइंदों और अपने मेंबर से उतना ही ज्यादा होगा। जिन मेंबर्स को वो मुंतखब करेंगे वो ज्यादा अपने आप को आंसरेबल फील करेंगे क्योंकि वो लोगों के पास होते हैं, उनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा उन तमाम पॉलिसीज का जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं लोगों की जिंदगियां गुजारने के लिए। इसके अलावा एक और पार्लियामेंट का एक और लेवल है जो आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं सेनेट। सेनेट जो है ये कौमी असम्बली के अलावा एक और इदारा है जिसको सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान मुंतखब करते हैं। यानी कि जब कौमी असम्बली के मेंबरान मुंतखब हो जाते हैं, जब सारी सूबाई असम्बलियों के मेंबरान मुंतखब हो जाते हैं, तो वो मिलकर सेनेट में मौजूद
पाकिस्तान के सेनेट में मौजूद 100 मेंबरान को मुंतखब करते हैं। ये 100 से थोड़े से ज्यादा है, शायद 103-104 है, आप काइंडली कन्फर्म कर लीजिए। उनको मुंतखब करते हैं। सेनेट की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर बहुत सारी अलग अलग इकाइयां मिलकर रहती हैं, जो कि एक दूसरे से जुबान के लिहाज से अलग हैं, कल्चर के लिहाज से अलग हैं, आबादी के लिहाज से अलग हैं, तो आबादी के लिहाज से सूबा बलोचिस्तान जो है वो सबसे कम आबादी रखता है, तो इसलिए कौमी असम्बली में उसकी नशिस्तें सबसे कम होंगी। सूबा पंजाब जो है उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए सूबाई कौमी असम्बली में उसकी नशिस्तें 50% से भी ज्यादा होंगी। तो हमें ये बात समझ आती है कि फैसला साजी करने में सूबा बलोचिस्तान का किरदार तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगा, क्योंकि कौमी असम्बली में उनकी तादाद आबादी की वजह से सबसे कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए सेनेट जैसा एक और बड़ा इदारा, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, वो बनाया गया, जिसमें तमाम सूबाई इकाइयों का की इक्वल नुमाइंदगी मौजूद है। तो बलोचिस्तान की आबादी चाहे कम है, लेकिन सेनेट में उसकी नुमाइंदगी बाकी सूबों के मुसावी है। इसलिए हर कानून को पास होने के बाद सूबाई असम्बली से कौमी असम्बली से पास होने के बाद उस कानून के लिए जरूरी है कि उसको सेनेट से भी पास करवाया जाए, ताकि तमाम सूबों जो है वो उस कानून के अंदर अपने हिस्से को इक्वली महसूस कर सके। आबादी के कम ज्यादा होने की वजह से कोई सूबाई इकाई अपने आप को कमतर महसूस न करे, इस बात को कॉम्पनसेट करने के लिए, इस बात को का ख्याल रखने के लिए सेनेट जैसा इदारा जो है वो बनाया गया। आईन में बुनियादी तौर पर तरमीम करने के लिए हमें 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के वोट जो है वो चाहिए होते हैं, तो आमतौर पर ये किसी एक जमात के पास इतनी मेजोरिटी नहीं होती, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को इसके अंदर शामिल करना पड़ता है अगर हम किसी कानून में बुनियादी तब्दीली करना चाहते हैं। जिस निज़ाम के अंदर पाकिस्तान रह रहा है, हमारे पास 2 तरह के लेयर्स हैं कवानीन बनाने के। एक लेयर वो जिसमें कौमी असम्बली कवानीन बनाती है और वो पूरे मुल्क के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन उसके नीचे तमाम सूबे अपनी गवर्नमेंट्स बनाते हैं, अपनी असम्बली रखते हैं, और वो अपनी जरूरतों के लिहाज से अपने कवानीन बना सकते हैं। हमारा कानून जब वजूद में आया तो उसके बाद उसमें बहुत सारी तरमीमात की गई, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वक्त के साथ साथ चीजों के बदलने के साथ साथ हमें कानून में मुसलसल तब्दीलियां करने की जरूरत पड़ती है। उनको बोलते हैं आईनी तरामीम, और ये आईनी तरामीम जो है ये हमेशा 2/3 मेजोरिटी के साथ मुमकिन होती है। तो दोस्तों, जमहूरियत जो है ये सिर्फ अकलौता तर्ज जिंदगी मौजूद नहीं है मुल्क को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकाकार मौजूद है, खासतौर पर जिनमें ऐसे तरीके भी मौजूद है जिनमें सिर्फ एक आदमी या एक खानदान ये फैसला करता है कि किसी मुल्क में कानून किस तरह के होंगे। इस किस्म के तरीका जिंदगी और कानून बनाने के तरीके को बादशाहत कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, या आपने सुना होगा एक लफ्ज डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र का हर मर्द और औरत जो है वो वोट डालने का हक रखता है, वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का हक रखता है। तो जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आम अफराद जो है वो वोट डालकर अपने लिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं जो उनके बिहाफ के ऊपर फैसला साजी करते हैं। इसलिए इस सारे अमल के अंदर सबसे अहम बात यह है कि आम अफराद या आम लोग जो वोट डालने वाले हैं, वो लोग ऐसे अफराद को मुंतखब करें जो उनकी नुमाइंदगी मुनासिब तरीके से और ईमानदारी से कर सकते हैं। जमहूरियत के बारे में मजीद जानते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, और इसके अलावा दूसरे तरीकाकार को भी पढ़ते रहिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, किताबों को पढ़िए, और डॉक्टर मुस्तफा को आज के एपिसोड से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।